नमस्कार, वेबवार्ता में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद राम मंदिर मुद्दा गर्मा गया है। वेबवार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या लगता है कि ये मुद्दे का सर्वसम्मति से हल निकल पाएगा? देखिए, कोशिशें तो पहले भी हुई हैं, लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट भी इसका निर्णय क्या करेगी। कोर्ट किसी एक के पक्ष में निर्णय देने से बच रही है दरअसल, क्योंकि कोर्ट इस मुद्दे का हल कर भी नहीं सकती। ये आस्थाओं से जुड़ा हुआ मसला है, ये नियम कानून से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। एक ऐतिहासिक पीड़ा है जो 1528 में मस्जिद बनाई गई बाबर के सिपहसालार जो थे मीर बाकी उनके द्वारा। अब उस मस्जिद के पहले से उस स्थल को लेकर, सरयू नदी के किनारे को लेकर, राम और उनसे जुड़ी हुई तमाम बातों को लेकर जो धार्मिक आस्थाएं हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के अनुयायियों में मौजूद रही, तो उनके मन की एक पीड़ा थी। और 1528 में ये बनने के बाद ऐसा नहीं कि ये विवाद अब शुरू हुआ। लोग कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हुआ। राजनीतिकरण नहीं है, दो धर्म, दो समाज, दो विभिन्न मतों को मानने वाले लोग और उनके पीछे खड़ा हुआ एक क्रूर इतिहास है, जिसका कि सीधे सीधे कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं है। तो अगर बातचीत से नहीं हो तो किसी एक भी पक्ष के में अगर फैसला दिया जाए तो गलत होगा, अगर उसको वैसा का वैसा रखने दिया जाए तो भी गलत होगा। मुझे लगता है कि जस्टिस खेर ने जो बात कही है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको भी ये समझ में आता है कि वो मध्यस्थता भी करने को तैयार है, लेकिन वो भी हल चाहते हैं। और हल क्या हो? हल सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां पर मस्जिद बनने के बाद से ही हिंदुओं का लगातार विरोध होता रहा था, अंग्रेजों को भी इससे निपटने के लिए अंदर नमाज पढ़ी जाएगी, बाहर पूजा पाठ होगा, इसकी व्यवस्था करनी पड़ी थी। 1949 में तो विवाद इतना बढ़ गया था आजादी के बाद कि उस पर ताले लगाने पड़े थे। फिर अचानक कोर्ट के फैसले की वजह से बाद में इसको लेकर विवाद बढ़ा। खुद राजीव गांधी की सरकार के समय इसके ताले खोल दिए गए और जो ताले खुले हैं तो उन्होंने विवाद को खोल दिया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी तो उसके खिलाफ हिंदू समाज लामबंद हो गया। और फिर 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो तो हम सबको पता है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल यही समझाने की कोशिश की है कि इसका मिलजुल कर ही हल निकालना होगा, और मुझे लगता है कि निकाल लिया जाना चाहिए। मोदी और योगी के पावर में आने के बाद लोगों को उम्मीदें बढ़ी हैं कि इस मुद्दे का हल निकल जाएगा। ये संयोग है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में भाजपा की भारी प्रचंड बहुमत वाली सरकार, और दोनों में ही ऐसे व्यक्ति जो हिंदुओं के कट्टरपंथी विचार के भी संरक्षक माने जाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब माना गया था कि वो भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा ही रहा है, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए भी मुद्दा ये बड़ा है। और नरेंद्र मोदी प्रतीक रूप से भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस राम मंदिर को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, उस रथ यात्रा के संयोजक थे, महत्वपूर्ण संयोजक थे नरेंद्र मोदी उस समय, और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तो जिस यात्रा का, जिस उद्देश्य का संयोजन उन्होंने किया, लोगों को लगता है कि उसको साकार भी वही करेंगे। वो योगी आदित्यनाथ जो लगातार हिंदुओं के विजय की और राम मंदिर की हुंकार भरते रहे हैं और अपने मठ में बैठकर लगातार इस तरह के बयान भी देते रहे हैं, वो अब मुख्यमंत्री कार्यालय में विराजमान है। और ऐसे में अचानक सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इसके पहले आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े संयत होकर ही बातचीत कही है लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी, कि वो इसके लिए कानून का सहारा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बजाय सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा है भी इसकी किसी भी रूप में फैसला भी न माने, सलाह भी नहीं माने, यहां तक कि टिप्पणी तो यह है खेर साहब की, लेकिन वो ये मानते हैं कि इसका मध्यस्थता से हल निकले और वो खुद भी मध्यस्थता करने को तैयार है। तो अब इसका मतलब ये है कि दोनों पक्षों को रजामंदी से, और देखिए हम देखते हैं कि जब सड़क की राह में मंदिर आता है या मस्जिद आती है तो रजामंदी ली जाती है, गुरुद्वारा आता है रजामंदी ली जाती है, और राह को उससे दूसरी जगह पर उस धर्मस्थल को हटाकर सड़क की राह बनाई जाती है। अब ये एक सामान्य धर्मस्थल नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का प्रतीक अगर है, वो मानते हैं कि राम यहीं पर जन्मे थे, तो ये वैसी ही बात होगी जो मक्का को लेकर, काबा को लेकर और यरूशलम को लेकर धर्मावलंबियों में है। जिस तरीके से वेटिकन सिटी को पवित्र मानते हैं ईसाई, जिस तरह काबा को, मक्का को पवित्र मानते हैं मुस्लिम धर्मावलंबी, जिस तरह यरूशलम को पवित्र धरती माना जाता है, वैसे ही अयोध्या अगर पवित्र धरती है और यह माना जाता है कि आततायियों द्वारा आकर या आक्रमणकारियों द्वारा आकर ध्वस्त किए गए, तो ये एक इतिहास है जिसको हम नहीं बदल सकते। आक्रमण हुआ, धर्मस्थल ध्वस्त किए गए, ये उस वक्त का रवायत थी, उस वक्त उसी तरीके से शासन चलता था, उस वक्त नियम कानून भी यही थे कि जो आक्रमण करेगा, जिसकी फौज बड़ी होगी वो राजा होगा और वो
चाहे तो प्रजा पर सुशासन करे और चाहे प्रजा को लूट ले, ये उसके ऊपर था। हमने शासन करने के लिए आने के बाद अच्छे से राजकाज चलाने वाले राजा भी देखे हैं, हमने अकबर का भी नाम सुना है, हमने दूसरे राजा को और हमने वही आतताइयों का भी नाम सुना है। सवाल यह है कि अगर वहां पर धर्म स्थल को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसको अब गिरा भी दिया गया है, जो भी भावनात्मक और धार्मिक अतिरेक था उसके बीच, अब यहां से आगे रहा यह कुत्ती है कि अगर दोनों ही मतावलंबी अपनी अपनी आस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मस्जिद भी बने और वो ठीक वहीं बने, इसकी जिद छोड़कर कोशिश होनी चाहिए कि वो जहां भी बने अच्छे से बने और वहां मस्जिद के भीतर नमाज भी अदा हो जाए, और इस बीच अगर मंदिर बन जाए और उसकी वजह से ये विवाद खत्म होता हो तो यही सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा है इसमें जो छुपी, क्योंकि बीच में उन्होंने जो फैसला दिया था जिसको लेकर बहुत तनाव भी रहा था और उस तनाव का परिणाम ये था कि सड़कों पर कर्फ्यू जैसी हालत हो गई थी, उसमें भी उन्होंने राम को और अलग अलग लोगों को पक्षकार बनाकर तीन हिस्सों में उस धर्मस्थल को बांटने की बात कही थी, लेकिन वो भी कोई सर्वमान्य हल भी नहीं है और अंतिम हल भी नहीं है। तो ये विवाद तब तक हल नहीं होगा जब तक इसके अंतिम हल तक नहीं पहुंचा जाए। यदि कि जैसा कि सभी मानते हैं बाबर बाहरी आक्रमणकारी था, तो फिर उसके बनाए ढांचे से इतना मोह क्यों? देखिए, दिक्कत यह है कि बाबर बाहरी आक्रमणकारी था, लेकिन ये कोई एक दिन का या ऐसा नहीं था कि आक्रमण करके मुगल यहां से चले गए। वो 700 साल तक रहे और उसके बाद के 300 साल अंग्रेजों का शासनकाल रहा। तो जब कोई इतने लंबे समय तक आपकी धरती पर आता है, उससे जुड़ता है, तो वो आपकी धरती का हिस्सा हो जाता है। हमें तमाम कटुता और आलोचनाओं के बीच इस सत्य को स्वीकार करना होगा, और जिसने उसको अपना मान लिया उनको ये समझाना कि भाई अगर आक्रमण करके तोड़ा गया था तो उसे हमें बना लेने दीजिए, आप अपना अलग से बना लीजिए, इसके लिए जिस समझदारी की आवश्यकता है वो धरती पर दिखाई नहीं देती। और मुझे ये भी लगता है कि जो पक्ष इसमें शामिल है, जो पक्षकार इसमें शामिल है, उन्होंने इसको और बढ़ावा दिया है, क्योंकि इस तरह करने से उनकी धार्मिक दुकानें चलती हैं। आप किसी सामान्य मुसलमान से पूछिए, सामान्य हिंदू से पूछिए, मुझे लगता है कि वो इस सर्वमान्य हल की ओर बढ़ना चाहेगा कि दोनों धर्मस्थल बन जाए, और किसी की जिद है कि हमारा तो यहीं पर बनेगा तो भाई तू यहां पर बना ले, मैं वहां बना लूंगा। आप देखिए कि आम जो विवाद होते हैं इस तरह के जमीन के, उसमें भी किसी का अगर भावनात्मक लगाव किसी जमीन से होता है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उस भावनात्मक लगाव को बनाए रखकर जब तक कि दूसरे पक्ष की दावेदारी प्रबल ना हो उसको मान लिया जाता है। लेकिन इसमें बीच में जिस तरह के एक्शन कमेटी के लोग और दूसरे मंदिर की बात करने वाले लोग और दूसरे धार्मिक ठेकेदार शामिल हो गए, उन्होंने अब इस विवाद को इतना बड़ा बना दिया है कि यहां से पीछे जाना एक तो है धर्म, दूसरा है अहंकार। अब ये मुझे लगता है धर्म से ज्यादा अहंकार की बात हो गई है। ये अहंकार है जो आड़े आ रहा है, जिसमें उनको लगता है कि अब हमने ये स्टैंड ले लिया, हमने मान लिया कि हम यहां से नहीं हटेंगे, हमने भी मान लिया कि हम तो यही बनाएंगे। अब इस अहंकार के टकराव को कैसे दूर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की भी सबसे बड़ी चिंता ये है। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अगर इसका सर्वसम्मति से हल नहीं निकला तो कानून बनाकर मंदिर बनाएंगे, क्या ऐसा संभव है? कानून के जानकारों की ही बात माने, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी खुद कानून के बड़े जानकार हैं, वकील हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाते हैं गांधी परिवार के खिलाफ इस मामले में भी। मुझे लगता नहीं कि कानून बनाकर कोई इस तरीके से मंदिर बनाया जा सकता है इस मामले में, जितनी कानून के जानकारों की बातचीत हमने देखी सुनी और पढ़ी है। लेकिन उन्होंने एक हल ये भी दिया है कि सरयू के उस पार मस्जिद के लिए बड़ी जगह दे दी जाए और वहां मस्जिद बन जाए, और जो जन्मस्थल के रूप में चिन्हित है जगह वहां पर मंदिर बन जाए। अगर ये वर्षों की पीड़ा है और अगर इससे हिंदुस्तान की साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, अगर इसकी वजह से वर्षों का एक पुराना जो दंश है, जो टीस है, जो कसक है, वो खत्म हो सकती है, तो हमें उस सर्वमान्य हल की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि दरअसल उपासना तो हृदय में होती है, उपासना मन में होती है, और हिंदू धर्म में तो धार्यति इति धर्म कहा गया है, जिसे हम धारण करते हैं वो हमारा धर्म है, तो उसको धारण करने के लिए हमें अयोध्या की जमीन पर ही जाना पड़े जरूरी नहीं है। लेकिन एक मान्यता होती है और एक व्यावहारिकता होती है। व्यावहारिकता ये कहती है कि आप कहीं भी करें किसी भी तरीके से, लेकिन मान्यता है, आस्था है, तो जहां आस्था आती है वहां तर्क की बजाय आस्था प्रबल हो जाती है। और उस आस्था की प्रबलता अगर इस हद तक चली गई है कि उसमें वर्षों से लगातार कटुता आई है, बढ़ती चली गई है, बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने जैसा एक बड़ा काम भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहां से आगे की राह तो सामंजस्य और समझदारी से ही निकाली जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला देने से बचने की कोशिश की है और सर्वमान्य हल की बात कही है, तो यह दिखाई भी देता है कि यह विवाद अब जहां पहुंच गया है वहां से आपसी बातचीत इसका सबसे बेहतर तरीका है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों केंद्र और राज्य मिलकर अगर सभी पक्षों में सुलह करा लें, उनको समझा लें, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अभी तक की स्थितियों का हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कोई भी पक्ष अपना दावा छोड़ना चाहेगा? नहीं छोड़ना चाहेगा, तभी ये विवाद इतने वर्षों में यहां तक आ गया है। आप उसको स्लेट से मिटा नहीं सकते, वो स्लेट पर चौक से लिखी हुई इबारत नहीं है कि आप कहेंगे कि ये हट गया तो वो हट जाएगा। वो एक सच था और ये भी एक सच है कि उसके बाद
जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने तथ्य हुए हैं, जितने विवाद हुए हैं, दोनों ही उस जमीन पर अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते। कब्जे की इस लड़ाई में दरअसल दिक्कत ये हो रही है कि धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, वैमनस्य बढ़ा है। जो साझा संस्कृति हमें आगे ले जानी चाहिए थी, इस धरती को हमें और ज्यादा सौहार्दपूर्ण बनाना था, वहां हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक कड़वा सच जरूर यहां पर हम ये रखना चाहेंगे कि जब ये विवाद हुआ उस वक्त कानून की बात नहीं थी, लोकतंत्र की बात नहीं थी, संविधान नहीं था जिससे देश चलता था। उस वक्त तो एक ही राज चलता था, तलवार की ताकत, घुड़सवारों की टापे, हाथियों की शक्ति, अश्वबल, यही सब बोलता था, इसकी तूती बोलती थी। वो जिसके पास ज्यादा था उसने हुकूमत की। तो उस वक्त चाहे वो केवल आपस में हिंदू राजाओं की बात हो, हिंदू राजा भी आपस में लड़ते थे, एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा करते थे, एक दूसरे का राजपाट लूट लेते थे। उसी तरह बाहर से आक्रमणकारी आए और इस धरती पर जो राज कर रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो सारे राजा मिलकर उनका अगर सामना नहीं कर पाए और उन पर आक्रमण हुआ तो वो एक सच्चाई है। लेकिन दरअसल उसके बाद का जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को बना भारत है, और उस भारत के बाद उसमें अगर संविधान लगा है, कानून लगा है, तो उस भारत की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इस धरती का, इस जमीन का धर्म के नाम पर विभाजन हुआ है। और अगर धर्म के नाम पर विभाजन किया गया है और उसको हमने उन लोगों से भी जोड़ा है जो मुगल शासक बनकर आए थे और यहाँ राज किया था, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि जब एक सर्वमान्य सर्वग्राह्य समाज की रचना करने के लिए एक नए हिंदुस्तान का संकल्प लिया गया था, तो हमें यहाँ की तहजीब को, यहाँ की संस्कृति को और यहाँ की धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखकर ही सर्वमान्य हल निकालकर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे अयोध्या विवाद पर, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।